एवरीवन, साथी के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ रेणु जसवाल और आज मैं बनाने जा रही हूँ मार्केट के हलवाई स्टाइल में छोले। इसको बनाने के लिए जो सामान लगेगा वो हम देख लेते हैं। काबुली चने 250 ग्राम, 3 मीडियम साइज के प्याज, 2 टमाटर, 2 इंच अदरक, 4 हरी मिर्च और 8-10 कलियाँ लहसुन की। अब हम अपने गैस की तरफ चलते हैं। कुकर को हमने गैस पर रख दिया है। कुकर हमारा गर्म हो रहा है। इसमें हम 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। छोले को उबालने के लिए 250 ग्राम छोले उबालने के लिए 250 ग्राम का 2 ग्लास पानी काफ़ी होता है। छोले अच्छे से पककर तैयार हो जाते हैं। छोलों को हमने 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। 4 से 5 घंटा भिगो सकते हैं छोले को, अच्छे से भीग जाते हैं ये। चने हमारे अच्छे से भीग गए हैं। देखिए कितने अच्छे से ये फूलकर तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमें बाद में भी डालना है, आधा ही नमक हम यूज़ कर रहे हैं अभी। जितना हमारे हमें पूरे छोले में डालना है उसका 1/2 ही यूज़ कर रहे हैं। 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा, इससे छोले बहुत जल्दी पक कर तैयार हो जाते हैं। गैस को हम 4 सीटी लगने तक कुकर को हम 4 सीटी लगने तक पकने देंगे, रख देंगे। छोले हमारे पककर तैयार हो गए हैं। फिजल को निकाल देंगे। देखिए हमारे छोले पककर तैयार हो गए हैं। उतने ही पानी में कितने अच्छे से छोले हमारे पककर तैयार हो गए हैं। कुकर को हम ढककर रख देंगे। अब हम अपने अगले प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया था और फ्लेम ऑन कर दिया था। कढ़ाई में हम 4 बड़े टेबल स्पून तेल ऐड करेंगे। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल है। आप कोई भी ऑयल डाल सकती हैं, रिफाइन ऑयल डाल सकती हैं या मस्टर्ड ऑयल डाल सकती हैं। तेल हाँ गर्म हो रहा है, हाथ लगा कर चेक कर लीजिए गर्म हो गया है या नहीं। तेल गर्म होने पर इसमें हम 1/4 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अदरक को हमने काट कर रख लिया था, उसको ऐड कर देंगे। और 2 तेज़पत्ता डाल देंगे। अदरक हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है, इसमें हमने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। साथ ही हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। प्याज को हमने प्यूरी बना लिया था, उसको ऐड कर देंगे। पिसा हुआ प्याज डालने के बाद उसको अच्छे से चला देंगे। इसको हम केयरफुली चलाएंगे जिससे हमारे हाथ पर छींटे ना पड़े। गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, इससे हमारे मसाले जलने लगते हैं। हल्की आंच पर ही इसको तलने पर बहुत ही अच्छे से ये मसाला तैयार होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच लाल पिसी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जितना कड़वा खाना पसंद करते हैं। 2 चम्मच पिसी धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी। हल्दी हम बहुत ऐड नहीं करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं, क्योंकि छोले थोड़े काले ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा हल्दी ऐड करने से उसमें ज़्यादा ही पीलापन आ जाता है, वो देखने में नहीं अच्छे लगते हैं। मसाला हमारा भून रहा है, इसको थोड़ा सा हम चलाते रहेंगे। चलाकर थोड़ा सा उसको हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए तेल हमारा किनारे किनारे आ रहा है। प्याज हमारा अच्छे से भून गया है। इसमें हम थोड़ा सा
एक चौथाई चम्मच कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें यहाँ पर चार चम्मच छोले मसाले डाल देंगे, ये हमने गोल्डन छोले मसाले लिए हैं, इससे कलर और उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है छोले का। छोले मसाले हम साथ में ऐड करते हैं, इससे हमारे छोले ब्लैक बनकर यानी कि काले बनकर तैयार होंगे, जैसे कि मार्केट में हलवाई बनाते हैं। बहुत लोग इसमें चाय पत्ती का पानी ऐड करते हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं ऐड कर रही हूँ। ऐसे ही मसाला ही आप देख सकते हैं हल्का सा डार्क ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पर हम एक चम्मच नमक डाल देंगे, नमक अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, हमने छोले में भी नमक ऐड किया था आपने देखा होगा, यहाँ पर थोड़ा एक साथ ही नमक नहीं डालते हैं। मसाला हमारा भुनकर तैयार हो गया है, तेल किनारे छोड़ दिया है और यहाँ पर यहाँ थोड़ा हमने जो टमाटर लिया था उसको हमने प्यूरी बना लिया था उसको साथ में ऐड कर देंगे और अच्छे से चला देंगे। अब मेरा मसाला भुनकर एकदम तैयार हो गया है, देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। ये पूरा मसाला हमने बहुत ही धीमी आँच पर भूना है, हाई फ्लेम पर भूनने से मसाले जल जाते हैं तो सब्जियों का या छोलों का स्वाद बिगड़ जाता है। छोले हमने जो पका कर रखे थे उसको मसालों में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले और चनों को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे सभी मसाले सभी चनों पर अच्छे से चढ़ जाएं और एक साथ हो जाए। छोले भी हमारे साथ में थोड़े से मिक्स हो जाएंगे, देखिए छोले में कितना अच्छा कलर अभी से ही आने लगा है, पकने के बाद इसमें कलर और भी अच्छा आ जाएगा। ये छोले हमारे बिल्कुल मार्केट जैसे ही तैयार होंगे बनकर। अब इसमें हम डेढ़ गिलास पानी ऐड करेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अभी हमने इसमें एक गिलास पानी ऐड किया है, इसको अच्छे से चला देख कर चेक कर लेंगे क्योंकि छोले बहुत पतले नहीं अच्छे लगते हैं, छोले थोड़ा गाढ़े ही अच्छे लगते हैं। आधा गिलास पानी इसमें और हम ऐड करेंगे क्योंकि छोले भी बनने के बाद गाढ़े हो जाते हैं, थोड़ा सा पतला रख थोड़ा सा ही मतलब इसको हम पतला रखेंगे और पकने के बाद ये अपने आप ही गाढ़ा होगा। अब इसको हम एक प्लेट से अच्छे से ढककर 5 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। पाँच मिनट हो चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं। केयरफुली आप इसको खोलिए और खोलकर चेक करिए, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, सारे मसाले एक साथ मिक्स होकर कितना अच्छा कलर लेकर आए हैं, है ना ये कोई मार्केट से छोला। इसको हमको लगभग 5 से 8 मिनट लगा है पकाने में, छोले को हमने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, लग रहे हैं ना मार्केट से छोले हलवाई जैसे स्टाइल में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए। थैंक यू।